लड़का बिना पलक झपकाए फुटबॉल देख रहा था। शॉट का प्रक्षेप वक्र और अंतर तुरंत लड़के के दिमाग में दिखाई दिया। फिर उन्होंने रक्षात्मक आरेख को आकर्षित किया। विंसेंट एक फुटबॉल कोच है। देखने के बाद इस तरह की एक पेशेवर हमले की रणनीति आश्चर्यचकित है। इस तरह के एक स्पष्ट मैच की गणना करना संभव है। ऐसा लगता है कि लियो फुटबॉल के साथ बहुत स्वाभाविक है, इसलिए अगले दिन विंसेंट ने प्रशिक्षण मैदान का नेतृत्व किया। लड़के को गोलकीपर की स्थिति लेने के लिए कहें। अन्य लोग देखते हैं कि बाहर खड़े हो जाओ और फिर नकली आप ऐसा क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वे अब और नहीं हंस सकते थे। हालांकि वह फुटबॉल के संपर्क में नहीं था, लेकिन वह इसे जल्दी से अनुमान लगा सकता था। प्रत्येक खिलाड़ी का प्रक्षेप वक्र फिर यार्ड को निर्देशांक के रूप में कई कोशिकाओं में विभाजित करें। उस अनुमान के आधार पर अगली स्थिति का अनुमान लगाएं। एक निश्चित स्थिति में गेंद की प्रतीक्षा में लियो शॉट का अनुमान लगाएगा। खिलाड़ी के आंदोलन के पैर की लय और प्रक्षेप वक्र के बाद शुरुआत में लियो ने तुरंत दर्जनों कोनों का अनुकरण किया। फिर अनुमान लगाएं कि कौन सी गेंद प्रक्षेप वक्र सबसे अधिक संभावना है। प्रतिद्वंद्वी ने गोली नहीं मारी है, लेकिन लियो ने अनुमान लगाया है कि इसे कोने में निर्देशित किया गया है। फिर व्यक्ति को बाईं ओर डालें और आसानी से गेंद को बाहर धकेलें। शॉट्स को बाद में चढ़ाई करके अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि लड़के का आंदोलन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस प्रतिभा ने फुटबॉल महासंघ के लोगों को आकर्षित किया है। वे टीम में शामिल होने के लिए चढ़ाई करना चाहते थे। अगर लड़का प्रशिक्षित है तो वह बाद में प्रतिभाशाली हो जाएगा। मेरा भतीजा जन्म के बाद से ऑटिस्टिक रहा है। टीम में शामिल होने के लिए मत कहो। सामान्य स्कूल भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप जांच करने के लिए लड़के को अस्पताल ले जा सकते हैं। बस सामान्य मस्तिष्क टीम में शामिल हो सकता है। विंसेंट ने सुना कि तुरंत लियो से पूछा, क्या आप टीम में शामिल होना चाहते हैं? तब लियो ने शांति से कहा कि वह चाहता था। इसलिए विंसेंट ने एक मनोचिकित्सक की जांच करने के लिए चढ़ाई की। किसने पर संदेह किया? प्रॉप्स ने हमेशा कम आईक्यू प्रश्न पूछे। 1+1 कितना? माता पिता का नाम क्या है? कौन है? इसकी लागत कितनी है? लियो ने दो वाक्यों का जवाब दिया और अपने आईक्यू के बारे में थोड़ा आक्रामक महसूस किया, इसलिए वह चुप था और जवाब नहीं दिया। प्रॉप्स ने निष्कर्ष निकाला कि लियो को एक समस्या थी। मेरे पोते की स्थिति थोड़ी मुश्किल है। लियो अब परिणामों की प्रतीक्षा करने के लिए यार्ड में है। गलती से प्रॉप्स के अधूरे खेल को देखकर लियो ने सिर्फ परिणाम पर नजर डाली, इसलिए वह जल्दी से अपने कार्यालय में आ गया। यदि आप खेल जीतना चाहते हैं तो आपको किले को छोड़ना होगा। यह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह असंभव है। आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे रास्ते में सिर्फ 3 चरणों में खो जाता है। प्रॉप्स भी एक सुंदर पेशेवर शतरंज खिलाड़ी है, इसलिए लियो को सुनने के बाद 10 ध्वज देशों के बारे में बात करें। वह यह भी पुष्टि करना चाहता था कि लड़का सही या गलत था। जैसा कि अपेक्षित था, प्रॉप्स ने लियो का सामना किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे मारा, वह पहले शब्दों पर चढ़ने जैसा था। मैं वास्तव में एक जीनियस हा। इस प्रकार साबित कर सकते हैं लियो केवल एक समस्या नहीं है, लड़के का आईक्यू उसके साथियों से बहुत आगे है। यह स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है? प्रतिभा और पागल लोग बस थोड़ा अलग हैं। आपको लगता है कि लियो बेवकूफ है, लेकिन वास्तव में लोगों की नज़र में आप एक बेवकूफ हैं। हा 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 हा।